इसी में अगर कुछ हम देखें कि वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ दोष भी, इन गुणों के आधार के साथ साथ हम कुछ दोष भी, कुछ कमियां, कुछ अवगुण हमको देखने को मिल रहे हैं, तो एक नज़र हम जो है उस पर भी चर्चा आप लोगों से कर रहे हैं कि क्या क्या दोष जो है उस समय हमको देखने को मिले हैं। तो सबसे बड़ा दोष जो रहा तो शिक्षा जो है राज्य का उत्तरदायित्व नहीं माना जाता। राज्य उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं था कि वो सभी वर्गों के लिए, सभी वर्णों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। उस समय जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता था गुरुकुल के आश्रम में जो है जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहता, लेकिन उस समय जो है आर्थिक स्थिति में बहुत मतलब बड़ा अंतर था। जो राजा था, जो सामंत थे, जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते, लेकिन आम जनता जो है वो गरीबी रेखा से भी नीचे थी, उनका जीवन बड़ा ही दुखदायी था। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते थे? तो राज्य जो है इसको अपना जिम्मेदारी नहीं मानता था, अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता था कि हम सब बच्चों की शिक्षा के प्रावधान करें, अपनी तरफ से व्यवस्था करें। जैसे कि आधुनिक समय में जो है देखा जा रहा है कि राज्य जो है सभी के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे दूसरे हमारे अनेक संस्थाएं हों, वो सब शिक्षा के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। शिक्षा के लिए जो है जो बच्चा पढ़ता था उसके वो भिक्षा प्राप्त करता था, और उसके आय के स्रोत निश्चित नहीं थे कि वो किस माध्यम से जो है फीस जमा करें। वहां पर जो है भिक्षा वृत्ति यदि देखा जाए तो वो एक अभिशाप है। भिक्षा मांगना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है, लेकिन उस समय भिक्षा के माध्यम से जो है छात्र उसका जो है गुरु दक्षिणा देता था, या गुरु शिष्य जो कर्तव्य का वर्णन उसमें किया गया है, भिक्षा मांग करके अपने गुरु की, अपने आश्रम के लिए व्यवस्था करता था। यदि उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं आश्रम को दान प्रदान करते थे, दक्षिणा देते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं आपको भिक्षा मांग करके लाना है। आज जो है अगर देखा जाए तो भारत में अनेक भिक्षुक जो हैं वो सिर्फ जो भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, शाम को वो बड़े आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दोष हमको देखने को मिला है। शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना थी, हमको बिना ये जाने कि छात्र की रुचि क्या है, छात्र शिक्षक बनना चाहता है, छात्र व्यापारी बनना चाहता है, छात्र नेता बनना चाहता है, छात्र शासक सैन्य में जाना चाहता है, छात्र व्यवसाय कौन सा करना चाहता है, बिना ये जाने हम छात्र को समान रूप से उसके वर्ण के आधार पर जो है शिक्षा प्रदान करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। लेकिन आधुनिक समय में ऐसा नहीं है, अच्छात्र की रुचि को महत्व देता है, अच्छात्र की योग्यता को महत्व देता है, अच्छात्र जो है जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके लिए उसको जो है मोटिवेट किया जाता है, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, वो सरकार करती है, परिवार के सदस्य उसको सही दिशा देते हैं, उसके शिक्षक जो है उसको सही दिशा निर्देश देते हैं, और पाठ्यचर्या भी बड़ी अव्यवस्थित रूप से देखने को जो है मिली है। उस समय सिर्फ वेद पुराण और अनेक शनिताएँ थी जो सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित थी, उससे आम जो जनता थी वो लाभान्वित नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय जो है रोजी रोटी और का ही जो है मुख्य लक्ष्य था। तो ये शिक्षा भी उस तरह की व्यवस्थित की गई थी जो कुछ वर्ग के लोग ही प्राप्त करके और ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग का जो है कार्य कर सकते हैं। रटने पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, केवल क्योंकि लेखन कार्य नहीं होता था, ताम्र पत्रों पर जो है लिखाई होती थी, पुस्तकालय नहीं थे, पुस्तक नहीं थी, प्रेस नहीं थी, तो हम छात्र को सिर्फ रटाते थे। और कितना रटा सकते हैं आधुनिक समय, तो हम जो है अब तो ये दौर आ गया है कि अब बिना पुस्तक के, बिना पेन के जो है हम छात्र को शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से आ गया, इंटरनेट के माध्यम से आ गया, ये सारी चीज़ें जो है आज देखने को मिली। अनुशासन भी बहुत कठिन था, छोटी सी गलती के लिए छात्र को बड़ा दंड दिया जाता था, उसको शारीरिक दंड दिया जाता था, उनको उन्हें कष्ट दिए जाते, उनको परेशान दिए जाते, जो कि उचित नहीं था। जन शिक्षा का अभाव, अभी आपसे काफ़ी इस पर चर्चा हो गई है कि उसमें आम जनता के लिए जो है शिक्षा के द्वार नहीं खुले थे, इसलिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल दिया था, धार्मिक कर्मकांड पर अधिक बल दिया जाता, छुआछूत पर अधिक बल दिया जाता, भेदभाव उस समय समाज में बहुत अधिक था, ऊंच नीच की भावना समाज में देखने को मिली थी, अमीर गरीब बहुत था, छोटा बड़ा था, केवल साधन संपन्न लोग जो हैं वही शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही धार्मिक क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, वही
अनेक क्रियाकलाप करते थे, तो समाज में बड़ा असमानता थी, समानता का अभाव था, जो कुछ दोष हमको इसमें देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के यदि ये कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा उस प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी, परंतु आज के भारतीय समाज के स्वरूप और उसकी भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुछ तत्व आज भी ग्रहणीय हैं, लेकिन कुछ तत्व आज त्याज्य हैं। उन ग्रहणीय तत्वों को हम गुण मानते हैं और त्याज्य तत्व को हम दोष मानते हैं। तो अच्छी चीजों को हमेशा जो है ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसे ग्रहणीय तत्वों में अगर हम बात करेंगे तो जैसे निःशुल्क शिक्षा रही है, उसके व्यापक उद्देश्य रहे हैं, गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन रहा है, गुरु शिष्य के बीच मौजूद संबंध रहे हैं, और शिक्षण संस्थाओं की जो है संस्कारवान प्रधान पद्धति जो है वो अच्छी रही है, जो आज जो है कम देखने में। दूसरी ओर यदि त्याज्य तत्व की बात करें, त्याज्य तत्व क्या हम छोड़ सकते हैं? शिक्षा की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व न होना, आय के निश्चित स्रोत न होना, भिक्षाटन की व्यवस्था होना, रटने पर बल, कठोर अनुशासन पर बल दिया जाता था, लेकिन हम जो है इन सारी जो अवगुण हैं उनको त्यागना चाहिए। भी हमको जो है पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, हमें वैदिक कालीन शिक्षा के ग्रहण तत्व को ग्रहण कर वर्तमान शिक्षा को प्रणाली को जो है प्रभावशाली बनाना चाहिए, तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारी भावी जो पीढ़ी है वो उस शिक्षा प्राप्त करके समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकती हैं। धन्यवाद।